क्वेश्चन नंबर 4 पे कट कर लो आप, इसको नहीं करना, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करना आपको पढ़कर, क्वेश्चन नंबर 5 तो आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपके नोट्स में है कि जब ये इसमें बोला है व्हेन ए ग्लास रोड इज रब विद ए सिल्क क्लॉथ चार्ज अपेयर ऑन बोथ, बिल्कुल बेसिकली यही है कि जब हम सिल्क और रब के साथ ऐसे रब करेंगे तो दोनों पे चार्ज आएगा, ठीक है। तो जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही चार्ज इस पे आता है, ये हमें पता है। पॉजिटिव इस पे आया तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो चार्ज जो है कंजर्व रहता है, ऐसा कुछ इसमें बोला है कि ये फिनोमिना बिल्कुल सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, ये फिनोमिना हमको और कहीं भी देखने को मिलती है ना। एक्सप्लेन हाउ इट्स कंजर्वेशन इज कंसिस्टेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये ओबे करता है। तो इसमें आपको आंसर देना है कि व्हेन टू बॉडीज रब टू ईच अदर देन बोथ विल बी चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। तो नेट चार्ज कितना रहेगा आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग तो जीरो रहेगा, सो इट ओबे कंजर्वेशन ऑफ। तो 4 और 5 क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5th करा रहा हूँ, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक स्क्वायर दिया है, ये इस तरीके से एक स्क्वायर है ये, और इसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है और उसकी वैल्यू है 1 कूलाम, कितनी वैल्यू है इसकी, हाँ 1 माइक्रो कूलाम। और स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्जेस भी रखे हैं ए बी सी डी, इस वाले कॉर्नर पर जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये है 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम। और बी पे रखा है कितना, -5 माइक्रो कूलाम, और सी पर रखा है 2 माइक्रो कूलाम, और इस पर कितना रखा है, -5 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो सेंटर में एक चार्ज रखा है, इस चार्जेस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी, चारों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं चार मेंबर मिलकर के, ठीक। तो वो पूछ रहे हैं कि हाँ फोर्स निकाल करके ऐड कर देंगे, तो इसमें यही ऐड यही क्वेश्चन किया गया है कि 1 माइक्रो कूलाम कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब अपना सुपर पोजिशन लॉ को याद कीजिए, इसका फोर्स निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, सब का वेक्टर सम कर दीजिए, तो इसमें हमें डिस्टेंस का ज़रूरत रहेगी बिल्कुल, तो बिल्कुल डायगनल बना लेंगे ऐसे, क्योंकि डिस्टेंस की ज़रूरत रहेगी भाई, इसका फोर्स निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए हमें, इसका फोर्स निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमें बेसिकली निकालना पड़ेगा। लेकिन इसको हम लॉजिकली सोल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्टली शॉर्ट ट्रिक से वैसे कर देते हैं हम सोल्व, डिस्टेंस विस्टेंस नहीं निकालते, क्योंकि इतना तो हमें जानते हैं कि जो डायगनल होते हैं स्क्वायर के डायगनल बाइसेक्ट होते हैं, सेंटर पर वैसे ही रखा है, तो इस सेंटर का नाम मैंने और रख दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वी नो डायगनल ऑफ स्क्वायर कहाँ बाइसेक्ट होते हैं ना, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देयर फॉर तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई जितना ए होगा उतना ही ओ सी होगा, उतना ही ओ बी होगा, और उतना ही ओ डी, ये सब डिस्टेंस इक्वल रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ ये सब का डिस्टेंस रिमेंस कॉन्स्टेंट हो गया, सब का कॉन्स्टेंट। अब फोर्स की बारी आती है कि फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फोर्स देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका फोर्स लेते हैं कि 2 माइक्रो कूलाम 1 माइक्रो कूलाम पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगेगा बच्चों, ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसकी ताकत ज़्यादा है, तो ये इसको इधर धकेलेगा, इधर भगाएगा इसे 1 माइक्रो कूलाम को इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्स आ गया आपका FA, मैं इसको FA से लिखता हूँ, क्योंकि ए लगा रहा ना, जो ए कॉर्नर पर बैठा है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे FA,
और सी सी भी तो इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के, तो ये इसे इधर रिपेल करेगा, यहां लिखेगा इसे एफ सी। ठीक, अब हम यहां पे देखने को हमें ये मिल रहा है भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस टू, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस टू सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस सेम है भाई, है ना। जितना फोर्स 2 माइक्रो कूलम का लगा रहा है उतना इधर से 2 माइक्रो कूलम का लगा रहा है, ये इसे इधर धकेल रहा है, ये इसे इधर धकेल रहा है, कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा ये, कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से, तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ से फ्रॉम किल फिगर मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम फिगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों फोर्सेज इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन सॉरी एफ सी डायरेक्शन अपोजिट के लिए माइनस वर्ड यूज करेगी। तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ए और प्लस एफ सी इज इक्वल टू जीरो, दोनों को दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जीरो। सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हो, एक आएगा ना, सिमिलरली यहाँ पे आओ, ये दोनों के बीच में कैसा नेचर है, अपोजिट है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये 5 माइक्रो कूलम का इस 1 माइक्रो कूलम को अपनी ओर बुलाएगा, खींचेगा इसे अपनी ओर, तो इधर इधर की डायरेक्शन में फोर्स है कौन सा, एफ बी। और बात करें हम डी पर जो चार्ज रखा माइनस माइनस, ये इसको अपनी ओर बुलाएगा, है ना, और ये होगा एफ बी, दोनों का प्रोडक्ट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट 5, डिस्टेंस भी सेम, तो इसलिए फोर्स भी सेम, तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन, तो एक अपनी ओर बुला रहा है, एक अपनी ओर बुला रहा है, दोनों की ताकत सेम है, कहाँ जाएगा चार्ज बीच का, कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एफ बी, एफ बी इक्वल टू एफ टी, बट डायरेक्शन अपोजिट, सो वी यूज माइनस एंड वी राइट एज एफ पी प्लस एफ सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ और आपको बताना है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, यूजिंग सुपर पोजिशन लॉ। नाउ यूजिंग सुपर पोजिशन, ये हम जानते हैं कि सुपर पोजिशन लॉ क्या होता है ना, सुपर पोजिशन लॉ, नेट फोर्स, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो जितने भी फोर्स है, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ टी, सबको ऐड कर दिया मैंने, वेक्टर सम लेना है इनका। अब मैंने ऊपर देख रहा हूँ कि ए ए सी के साथ मिलकर के जीरो दे रहा है, ए प्लस एफ सी इन दोनों की वैल्यू कितनी, जीरो, और ऐसे ही एफ एफ बी प्लस एफ डी, ये दोनों मिलकर के आपस में क्या दे रहे हैं, रिजल्ट जीरो, तो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। चलो हो गया, तो जो सेंटर पे चार्जेस रखा है वो कितना, नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, जीरो, कोई फोर्स नहीं।